तो शुरू शुरू में हम बड़े शौक से जाके उठाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाबा शौक कम हो जाता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। मैं आया हूँ भाई अब्दुल गफूर भाई के पास। इन्होंने लाइफ सक्सेस के अंदर 2 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, इन्होंने क्या पाया क्या खोया सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे। जो भाई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इनसे चीज़ें ले भी सकते हैं, और कोई इनकी पसंद की चीज़ अगर आप लोगों के पास होगी तो वो आप इन्हें दे भी सकते हैं। हम लोग इनसे बात करते हैं, साथ बने रहना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है। लाइक शेयर कॉमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफूर है, मैं लाहौर का रहशी हूँ। ब्रांड अपनी हाउसिंग सोसाइटी में ये मेरा सफर है। आज से कुछ 7-8 महीने पहले मैंने अपना चूजा डाला था लाइट सोसर का, तो वो फ्लॉक माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो जिस किसी भाई को चाहिए वो चूजा तो उसको हम दे भी सकते हैं। अगर किसी के पास मेरी मेयार का भी बर्ड हो मैं खरीद भी सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्लाजा है, प्लाजे की मैंने दूसरे फ्लोर के ऊपर मैंने ये अपना शॉप किया हुआ है। तो जो मैंने 7-8 महीने पहले चूजा लिया था तो उसका भी मैं शॉप करवाता हूँ और दिखाता भी हूँ, बताता भी, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। और अभी जो एग आ रहे हैं वो मेरे पास तकरीबन कुछ 7 माह पहले से, सॉरी 1 महीना पहले एग स्टार्ट हुए हैं। अब मेरे पास चूजा आ रहा है वाफर मकदार में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी का, और कार्गो करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 7 महीने पहले का फ्लॉक रेडी हो चुका है, पहले तो मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी। और साथ आएँ ज़रा, अंडे उंडे दिखाएँ हमारे दिल को। एक होता है ना उस तरफ से आप आएंगे, एक होता है ना अंडे वगैरह जब आते हैं फर्स्ट मुर्गी के, तो शुरू शुरू में हम बड़े शौक से जाके उठाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाबा शौक कम हो जाता है, लेकिन एक दिली खुशी होती है चाहे गोल्डन मिश्री का अंडा क्यों ना हो उठाते हुए। तो यहाँ पर काफी सारे फीमेल्स हैं, तो गुफार भाई कोई शो वगैरह कराएं अपने ब्रीडर्स वगैरह। पहले हम इस मेल की माशाल्लाह बात कर लेते हैं। ये मेल है माशाल्लाह पिंक लेग्स में, क्या डिफरेंट है येलो लेग्स में, कुछ आइडिया दे दें जरा। येलो लेग्स ये है कि ये ब्रीड बेसिकली डिफरेंट ब्रीड्स में मिलके ये ब्रीड तैयार हुई हुई है। तो इसमें मैकेनिज्म ये है कि कुछ ना कुछ बर्ड बीच में से येलो लेग निकल आते हैं। अच्छा, मेरे पास येलो लेग नहीं है, ये सारे के सारे पिंक में है। तो इनके जो मार्क्स है वो भी देखे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत आउट क्लास है। ये रिंग बर्ड की क्वालिटी है, फर्स्ट जनरेशन है मेरे पास। F1 है ये? जी ये F1 है। हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, एग हम देखते हैं कि मुर्गियाँ एग के लिए। आज हम देखते हैं कि आपके पास कितनी कलेक्शन आई है। माशाल्लाह फर्स्ट चिकन को हम लोग उठाने लगे हैं यहाँ से गुफार भाई। ये दो भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला नजरे पास से गुफार भाई कबूतर के अंडे दे रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली फीमेल ने एग दिया है फर्स्ट टाइम एग दिया, तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही होते हैं। फर्स्ट टाइमर है ये? हाँ ये फर्स्ट टाइमर है, लेकिन बाइट कर रही है। यहाँ से एक चीज का हमें पता चलता है कि ये अभी पट्ठे पट्ठी हैं सारे। अच्छा जाओ के ये जो कलर थर्ड 3 हो गए माशाल्लाह। हाँ जी 3 मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। अच्छा ये ब्राउन शेल लार्ज में एग है, ये जो एग है ये पुराना एग होगा हमारे पास, पुरानी मुर्गी का। जो आज से 15-20 दिन पहले अंडा देती है, ये कोई 10 दिन पुराना होगी जिसने अंडा। ये बिल्कुल फ्रेश है, कोई मुर्गी किसी ने अंडा दिया है। ये इनक्यूबेटर में नहीं जाएगा, इसमें से चिक नहीं निकलेगा। इसका वेट कम है? इसका वेट कम है, फर्टिलिटी के मसले आ सकते हैं, इसमें से चूजा नहीं निकलेगा। इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में निकलेगा इंशाल्लाह ताला, अगर फर्टाइल प्रॉपर हुए होंगे तो ये चूजा उनमें से निकलेगा। ये इतने ध्यान से क्यों देख रही हैं आप? दोबारा जरा नीचे हाथ रखें अंडों के ऊपर, बड़े शौक से देख रही हैं ये मुर्गियां, देख रही हैं सारी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा सेकंड की तरफ जाते हैं हम लोग और चेक करते हैं कितने एग्स हैं वहां पे, और सारी रेशियो पूछते हैं इनसे, टोटल डिस्कशन करते हैं। माशाल्लाह इसमें भी तीन है कि इसमें भी, और ये कुछ एक्स्ट्रा लार्ज है इसके अंदर के फेक है? नहीं ये फेक है, कही फेक है। मुझे लगा मन यार इतना बड़ा अंडा कैसे हो गया। ये देखिए ये अभी एग छोटे हैं गर्मी की वजह से, ठीक है। और ये फर्टाइल एग होंगे, ये इनक्यूबेटर में ही जाएंगे। ये टोटली फर्टाइल है? हाँ ये इसके अलावा बाकी सारे फर्टाइल है, ठीक है। इसमें नहीं है कोई भी एग, ठीक है। अभी बैठी हुई है, देख लेंगे। अच्छा तो ये हम थर्ड बकेट में आ गए हैं, इधर भी फेक है, इधर एक एक एग दिया हुआ, एक रियल है, लेकिन इसका एक साइज बहुत अच्छा है। ये इनका जो है असल साइज ये है अंडे का, लार्ज साइज ये बेहतरीन साइज है। हाँ जी वो भी हो जाएंगे, लेकिन अभी गर्मी की वजह से इनका साइज अभी छोटा है,
ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और 10-15 दिन के बाद ये साइज के आएंगे। और लास्ट बकेट हम लोग चेक करते हैं, इसमें कितने निकलते हैं? इसमें भी कोई नहीं है सरप्राइज, अभी आएंगे थोड़ी देर तक, आप आके उठाएंगे थोड़ी देर बाद और चेक करेंगे तो इंशाल्लाह एक और कलेक्ट हो जाएंगे। सर आपने कितने बर्ड्स डाले थे, चूजा कितना डाला था? मैंने ये कोई 51 चिक डाला था। 51 चिक डाले थे? हाँ जी। अच्छा, क्या आपके पास मोर्टेलिटी आई 51 के अंदर? 51 के अंदर कोई 4-5 मेरे मोर्टेलिटी हुई थी। 4-5 बर्ड्स बचपन से जवानी तक? नहीं, सिर्फ जवानी में, मरने तक बीमारी बहुत ज्यादा आई थी। जवानी में मोर्टेलिटी ज्यादा? जवानी में हुई थी, बचपन में नहीं हुई थी ना। क्या रीजन हुआ? रीजन गर्मी थी, मौसम की शिद्दत थी, बीमारी थी, बहुत सी वजूहत थी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को आज की कलेक्शन नजर आ रही है। गुफार भाई कितने एग्स आज ले किए सारे बर्ड्स में? अभी छोटे बड़े एग्स टोटल 13 आ गए हैं। 13 आ गया, और कितनी रोज के डेली के एग्स आ रहे हैं? कोई 15 से 18 के दरमियान। 13 आ गए हैं और तकरीबन 4 से 5 और आएंगे एग्स अभी। 50 में से कितनी परसेंट फीमेल्स निकली और कितने मेल निकले हैं? 60% फीमेल निकली थी। ठीक है, तो 40% मेल थी मेरे पास। 60% फीमेल थी, 40% मेल निकले थे। 40% मेल थे। और कलेक्शन आपके पास 18 की तकरीबन आ रही है? अभी कुछ मुर्गियों ने देर में स्टार्ट नहीं की हुई, जैसे आपने देखा ये अंडा बिल्कुल छोटा है, स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट अभी उसने स्टार्टर एग आया ना, मतलब उसको हम स्टार्टर एग करेंगे, वो 4-5 स्टार्टर एग देंगे, फिर उसका साइज प्रॉपर आएगा। ठीक है, इससे पहले आपने क्या लगाया हुआ था, क्योंकि आप 2 साल से पोल्ट्री के लाइन में हैं? 2 साल पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने एस्ट्रोलॉप और आरआईआर से स्टार्ट किया था। ब्लैक एस्ट्रोलॉप और आरआईआर रेड। अभी भी कुछ मेरे पास पीस पड़े हुए हैं। ठीक है, वो घर में अंडे खाने के लिए मैंने रखे हुए हैं। नीचे वाले फ्लोर पे जो फर्स्ट फ्लोर है मेरा, वहाँ पे मैंने ब्लैक एस्ट्रोलॉप डाला था, आरआईआर डाला था। ठीक है, लेकिन वो बिजनेस चला गया क्वांटिटी बेस्ड। जो लोग ये कहते हैं कि फेलियर हो गया, फेलियर नहीं हुआ बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक चेंज हो गई है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी उतना प्रॉफिट, जितनी क्वांटिटी उतना प्रॉफिट। सही है, मेरे पास बिल्डिंग है तो मैंने बिल्डिंग को उस हिसाब से यूटिलाइज करना है कि मेरे पास एक हैंडसम अर्निंग आती है। लोगों को बच्चा कितने में पड़ेगा इसका? बच्चा जो अभी मैं सेल कर रहा हूँ अक्रॉस पाकिस्तान डिलीवरी के साथ, बहुत ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं है, जैसे वह कराची नहीं है, सिंध में नहीं हो सकती, तो जो डे ओल्ड का चूजा देते हैं बेसिकली डे ओल्ड का नहीं होगा, वो होगा 3 से 4 दिन का। ठीक है, वो चूजा हम दे रहे हैं 1400 से 1500 के दरमियान। 1400 से 1500। इसमें वैक्सीन कोई किसी किस्म की हुई होती है? सबसे पहली जो वैक्सीन होती है मैरिक्स होती है, वो सिर्फ कमर्शियल हैचरीज पे होती है। अच्छा, तो कमर्शियल हैचरीज हमारे पास उतना वसाइल नहीं होते, इंशाल्लाह पहुंचेंगे हम कमर्शियल तक भी इंशाल्लाह जी, आप लोग दुआ करेंगे अगर तो। हाँ जी, अगर आप लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह कमर्शियल पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। खा देते हैं, सिर्फ रखे हुए हैं घर के शौकिया अंडे खाने के लिए। अगर आपकी परमिशन हो तो हम ये भी दिखा देते हैं। रखा हुआ दरवाजा, ये मेरा ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, ये मैंने जब लास्ट कुछ 4-5 में अपना चिक बेचा था उसमें से ये मैंने थोड़ा सा चिक अपने पास होल्ड कर लिया था। सही है, अपना घर को, अपने घर के लिए अंडों के लिए ना, बेहतरीन। ठीक है, कोई और पर्पस के लिए भी अंडे जो बाद सेल करने होते हैं तो वो भी मैं इधर से कलेक्ट करता हूँ। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह की 11 फीमेल है और डेली के 8-9 समटाइम 10 एग रोज आ रहे होते हैं। 350 अंडे वाली की बात है, वाकई की ऐसे बात है। 11 फीमेल है तो डेली के 8 से 10 एग आ रहे हैं। मतलब 350 अंडे, 350 से थोड़ा कम, 340 कर सकते हैं, 300 एग आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरा अपना जाती प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये काम चला हुआ है क्वांटिटी बेस। सही है, जितनी क्वांटिटी उतना प्रॉफिट है। तो अभी जो नई ब्रीड्स आ रही हैं, जैसे ये आयाम से मानी है, लाइट से मानी है, योकोहामा है, ये सारी आस्ता आस्ता ब्रीड हमारे पाकिस्तान में आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी फार्मिंग हो रही है और बड़े पैमाने पर इसको भी कॉमन कमर्शियल पे इंशाल्लाह लेके जाना है जल्दी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इसी तरह से करेंगे इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ। देखें, वंस अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जानदार चीज है, लाइफ की कोई गारंटी नहीं है इसकी, लेकिन अगर आपका चलता है तो भाई आप लाखों में खेलते हैं। बिल्कुल, ये बात सच है और आप लोग इस बात को एग्री कर लें, अगर आपका चलता है तो आप लाखों में खेलते हैं, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो सर आप जीरो हो जाते हैं। आप कोई भी काम जो है ना उसमें नफा या नुकसान पहले देख लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमने पहले से माइंड बना लिया ना कि यार हमें नुकसान हो गया, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने माइंड नहीं सर बनाया
और हमने ऐसे ही पैसे इन्वेस्ट कर दिए, टोटल अपनी जो हमारी बजट है हमने उसमें लगा दिया और नुकसान हो गया, हम रुल जाएंगे। बहुत मजा आया आपसे मिलकर, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तो भाइयों आप भी लाइक शेयर कमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यार क्या करे, जल्दी सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।